Take off. Okay. यूवी क्या है मुझे भी नहीं पता, बट एक चीज़ जो मैं कॉलेज में जब हम जॉब शुरू किया कर तो मैं विल इट वर्क या तो ये चीज़ मैं बहुत सालों के बाद में मेरे समझ में आई कि ये बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से मैं नीचे से बात करूँगा तो ज़्यादा बेहतर है, ये ठीक है? सो आई ऑलवेज बिलीव्ड कि चाहे अमिताभ बच्चन हो, सचिन तेंदुलकर हो, लता मंगेशकर है वो, आप जितने भी प्रोफेशनल्स उठा लीजिए जिन्होंने जो काम कर रहे हैं, चाहे यू टेक इट एनी फील्ड जहाँ पे हॉबीज़ होती है, या क्लासिकल म्यूज़िक ले लीजिए या वेस्टर्न, एनी फील्ड आप ले लीजिए, जिन्होंने अपनी हॉबी को प्रोफेशन बनाया, दे हैव एक्सेल्ड टू द एक्सेलेंस, क्योंकि वो लोग काम नहीं कर रहे, दे आर जस्ट बेसिकली इन्जॉइंग देयर हॉबी। मैं इससे पूछा तू क्या खेलता है, तो बोले क्रिकेट। अगर इसको 24 घंटे क्रिकेट खेलना होता तो बहुत आसान होता, और यही कारण होता है कि 99.9 और 99% में 1% को छोड़ देता हूँ, हम लोग कई साल तक ये रोते रहते हैं कि अरे यार काम पे जा रहा हूँ, करेक्ट है? जो लोग इंडस्ट्री से है, स्टूडेंट्स तो अभी मैं छोड़ दूंगा, बट इंडस्ट्री से है, इकबाल जी आप ये क्या कर रहे हो, यार काम पे जा रहा हूँ, क्योंकि हमको लगता है कि ठीक है यार हॉबी अलग चीज़ है, काम अलग चीज़ है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे डेस्टिन में ये शायद नहीं होता कि हम जब जॉब पे जाए या हमारी जो हॉबी है, ओरिजिनल हॉबी है, उसको हम प्रोफेशन में कन्वर्ट करें, या कुछ हॉबीज ऐसी होती है जो शायद प्रोफेशनल ना बन पाए, जैसे किसी की स्टैम्प कलेक्शन हॉबी है तो वो शायद प्रोफेशनली नहीं बन पाएगा, बट 20-25 साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद में रियलाइज़ हुआ कि एट द एंड ऑफ द डे आप उसको हॉबी बनाओ और उसके बाद में काम काम नहीं लगेगा कभी भी। ये बेसिकली मैं स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ, यू स्टार्ट लविंग योर प्रोफेशन और उससे बेहतर और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमारी प्रोफेशनल हॉबी क्या हुई फिर? हाँ प्रोफेशनल हॉबी, अब तो प्रिंटिंग में हो यार, तो प्रिंटिंग ही हो जाएगी मेरे ख्याल से। कुकिंग है तो अभी भी सोच लो, हमारे वक्त 3 इडियट्स आता तो शायद मैं कुछ और करता, क्योंकि मुझे याद है मैं जब स्कूल में था तब 3 हमारे यहाँ कोर्सेज चलते थे, एक मैथ्स, एक बायो और तीसरा होम साइंस। तो ऐसे ही बड़ी हॉल में 200-250 बच्चों को बिठाया था, इस तरफ गर्ल्स उस तरफ बॉयज़, और एक ही पूछा था, तो मेरा जब नंबर आया था तो मैंने बोला था होम साइंस, अनफॉर्चुनेटली मुझे मिला नहीं। सो आई कॉल दिस एज द प्रोफेशनल हॉबी एज प्रिंटिंग। So what is my professional hobby is today is printing or anything related to the printing. I think यहाँ बैठे हुए लोग agree करेंगे, अभी हम इस line पे सोचना शुरू करें कि ये हमारी professional hobby है। अगर personal hobby ना सही तो कम से कम professional hobby को तो हम मान के यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और सरस्वती माँ यहाँ पे है, और अगर हमने printing बोला है और वो भी college के प्रांगण में बैठ के बोला है, तो पहले एक बार फिर से हम प्रिंटिंग को थोड़ा सा वापस से पीछे जाते हैं। तो जब मेरे को व्हेन वी वर डूइंग बी प्रिंटिंग, 4 साल लग गए प्रिंटिंग समझने में, और उसके बाद में भी नहीं समझा कि प्रिंटिंग क्या है। कभी प्रोफेसर बोलते थे इट इज़ एन आर्ट ऑफ ए साइंस एंड अ साइंस ऑफ एन आर्ट। आप लोगों के प्रोफेसर भी यही बोलते हैं क्या? है? क्या कहते हैं, साइंस ऑफ एन आर्ट, आर्ट एंड साइंस? बहुत टफ है डेफिनेशन, बट थोड़े साल काम करने के बाद में ऐसा मेरे को लगा कि मैं एक थोड़ा सिंपल डेफिनेशन इसको बनाता हूँ। कुछ नहीं है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग इंक एट द राइट प्लेस ऑफ द सबस्ट्रेट। पहले हम पेपर बोलते थे, अब सबस्ट्रेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि पेपर्स के आगे भी दुनिया बढ़ी है, और शायद इसीलिए हम लोग यहाँ आज असेंबल हुए हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग इंक एट द राइट प्लेस ऑफ द सबस्ट्रेट विथ वन और मल्टीपल प्रोसेस विथ मल्टीपल कॉपीज प्रिंटिंग। मेरे ख्याल से जितने भी प्रिंटिंग प्रोफेशनल्स हैं, जो ओनर्स हैं प्रिंटिंग प्रेस के, इस बात से एग्री करेंगे, इट्स ऑल सिंपल, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो फिर सिंपल ही चलते हैं अपन। नेक्स्ट मैं इस तरफ खड़ा रहता हूँ मेरे ख्याल से, अमित। सो बेसिकली
एक बार और वी विल जस्ट रिकैप्चर, क्योंकि इससे थोड़ी हमें मदद मिलेगी टू अंडरस्टैंड कि हम जिस टॉपिक पे आना चाह रहे हैं. वी वुड लाइक टू सी, वी हैव लेटर प्रेस, ड्राई ऑफसेट विच इज़ अ पार्ट ऑफ लेटर प्रेस, देन लिथोग्राफी, प्लेनोग्राफी, आप जो भी नाम दे दो, वेट ऑफसेट, वाटरलेस ऑफसेट, ग्रेवियर, फ्लेक्सोग्राफी, स्क्रीन एंड डिजिटल, इसको कैसे भूल सकते हैं. इसके अलावा कोई प्रोसेस है जो मेरे को याद नहीं है? अब पैड पेंटिंग मत बोल देना यार, भूल गया उसको लिखना. सो बेसिकली वी विल नॉट गो टू द डिटेल्स, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए हर किसी को पता है कि लेटर प्रेस का क्या शब्द है. और इसमें एक एक्चुअली तीन चार दिन पहले, एक हफ्ता पहले हमारी 6 मंथली रिव्यू मीटिंग हुई थी, तो उसमें भी एक टॉपिक छेड़ा था कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. तो पहले के ज़माने में जब प्रिंटिंग नहीं थी तो लोग कोई भी इनविटेशन कार्ड छापना है, कुछ भी करना है, तो हाथ से 10 बार 100 बार लिखते होंगे. तो हमारे गटनबर्ग जी को सपना नहीं पड़ा था कि यार ऐसा कुछ मैं बनाता हूँ. मेरा ऐसा मानना है कि जो आपका कोई आड़ा तिरछा कोई ये वो पूरा तेरा पुराना वाला मोबाइल है, ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट होगा जो गलती से इंक के ऊपर गिरा और वो पेपर पे लगा, तो जितना एरिया ऊपर था रिलीज में था वो ही आया और दूसरा नहीं आया. सो जितने भी इन्वेंशंस वर्ल्ड में हुए हैं वो मोस्टली मेरे हिसाब से बाय एक्सीडेंट ही हुए हैं. बहुत कम ऐसा हुआ है कि इन्वेंशंस करने के लिए काम कर रहे हैं, कि अगर ऐसा होता तो जितनी भी R&D लैब है वो बहुत जल्दी जल्दी आउटपुट निकालती. तो ये ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होगा जो इंक में गिरा, उसने गलती से पेपर पे गिरा, बोले अच्छा ऐसा, एंड देन ही थॉट. ये ऐसा हमारे साथ भी होता है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर जाते हैं वो सिग्नल्स को. और शायद ये जो जर्मन लोग हैं या उनके पास जिनके पास टाइम थोड़ा ज़्यादा है, ये लोग दे कैच अप के, ओ दिस कैन बी, इसके साथ कुछ किया जा सकता है, एंड देन दे डू दिस, एंड दैट इज़ हाउ. ऐसा मेरा असेसमेंट है कि जो प्रिंटिंग के जनक है जॉन गटन, जिन्होंने फर्स्ट मूवेबल टाइप बनाया, वो ये लेटर प्रेस का पहला इन्वेंशन ऐसा ही हुआ होगा बाय डिफॉल्ट. और जब हो गया तो रिप्लिकेटेबिलिटी दिखी और इट हैज स्टार्टेड. देन द ऑफसेट केम, ऑब्वियसली एवरीबडी नोज हाउ ऑफसेट केम. ऑफसेट भी बाय डिफॉल्ट ही हुआ. लिथोप्लेट के ऊपर देखा गया कि जहाँ पे ऑयली सबस्ट्रेट है वहाँ पे तो पानी नहीं लग रहा है, और फिर चलो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट. सो बेसिकली समथिंग यू सडनली डिस्कवर एंड देन उसके ऊपर फिर बिल्टअप करते हैं तो आपका असर आता है, एंड देन द प्रोसेस इवॉल्व, एंड देन द पीपल सपोर्ट, एंड टेक्नोलॉजी स्लोली ग्रोज अप. इन केस ऑफ फ्लेक्सोग्राफी, मेरे ख्याल से पहले ग्रेवियर आया था और उसके बाद में फ्लेक्सो को, तो मैं मानता हूँ इट्स अ खिचड़ी ऑफ एवरीथिंग एंड वेरी वेल मेड खिचड़ी. आई वुड से इट्स जस्ट नॉट द दाल खिचड़ी, बट इट इज़ प्रॉपरली मेड गुजराती खिचड़ी, जो जिसमें सब कुछ है और बहुत आगे. दिस इज गोइंग टू बी अ प्रोसेस जिसको मुझे समझने और सीखने में थोड़ा टाइम लगा, बट आई एम रियलाइजिंग दैट दिस इज़ अ टेक्नोलॉजी ऑफ अ फ्यूचर, वन ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर. वी आर नॉट गोइंग इन टू द डिटेल्स बिकॉज एवरीबडी नोज दिस प्रोसेस. मुझे अगर कहीं पर आपको आपत्ति है तो आप हाथ खड़े करके मुझसे पूछ सकते हैं. मुझे नहीं आएगा तो मेरे कलीग्स यहाँ बैठे हुए हैं, देव, अमित, नवीन और बाकी आप लोग जो इंडस्ट्री से आए हुए वो तो है ही. नेक्स्ट, देन स्क्रीन प्रिंटिंग, वन ऑफ द ईजिएस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर एंड फ्रेगमेंटेड मार्केट इंडिया में है. तो ये मैं थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए हिस्ट्री पे हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस को अगर समझ लेंगे तो फिर आगे बात करना बहुत आसान हो जाएगा. डिजिटल जो आजकल काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है और आने वाले समय में इसकी एक अपनी एक डिमांड आएगी, इसको थोड़ा सा एलाबरेट किया है हमने. 2 टाइप के होता है, एक इंकजेट बेस पे. इंकजेट बेस इज़ नथिंग, जैसे आपका ग्रेवियर प्रोसेस है उस तरह से इंक पर्टिकुलर प्लेस पे थ्रो की जाती है. और डिजिटल में जो जेरोक्स मशीन टाइप का होता है, लेज़र होता है, उसमें बेसिकली फर्स्ट आपका चार्ज होता है. उसको मैं थोड़ा ऑफसेट प्रोसेस की तरह बोल दूंगा कि लिथोग्राफी में जहाँ जहाँ पे वो चार्ज्ड है वहीं पे आपका टोनर लगेगा और फिर उसको आप हीटिंग करेंगे. मैं बहुत सिंपलेस्ट वे में बता रहा हूँ, बाकी तो आज गूगल अवेलेबल है ही सब जगह. नेक्स्ट, सो फिर एक मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये है क्या यार, ये चल क्या रहा है, इतने प्रोसेस की हमें ज़रूरत क्यों है. जब हम लेटर प्रेस पे थे तो फिर ऑफसेट पे गए, ऑफसेट के बाद में
हम लोग एक के बाद एक प्रोसेस। तो ऐसा तो नहीं मशीन मैन्युफैक्चरर्स को बेचना होता है, शाही वालों को उसकी इंक बेचनी होती है, और विपुल जैसों को अपना बाकी का सामान बेचना होता है, बराबर विपुल भाई? इसीलिए काफ़ी सारे प्रोसेस। इसको अगर थोड़ा सा हम पीछे जाए और इसको केयरफुली देखें, तो बेसिकली जैसे हम ग्रेवियर में कहते हैं कि ग्रेवियर क्यों हम कराते हैं, इट इज़ नथिंग बट दी एबिलिटी टू प्रिंट डिफरेंट सबस्ट्रेट। हमारे पास पानी की बॉटल लेंगे सर, अगर मुझे ये छापना है तो शायद मैं ऑफसेट पे नहीं छाप पाऊँगा, और इसीलिए मुझे ग्रेवर की ज़रूरत है, और इसीलिए डिफरेंट प्रोसेसेस है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ ड्राइंग टेक्निक ऑफ द इंक। प्रोसेस इसलिए डिफरेंट है क्योंकि मुझे अलग अलग सबस्ट्रेट को छापने की इच्छा है, और अलग अलग सबस्ट्रेट पे ड्राइंग की टेक्निक अलग अलग ज़रूरी है, क्योंकि जो टेक्निक हम ऑफसेट के लिए या लेटर प्रेस के लिए यूज़ करते हैं कि जब ऑयल पेनिट्रेट होता है तभी क्योर होता है या ड्राई होती है इंक, इसमें वो संभव नहीं है। हम लोग आगे देखेंगे इसमें क्या होता है। तो लेट्स गो बैक अ वेरी फंडामेंटल मैट्रिक्स, जो एक सिंपल है कि लेटर प्रेस में ऑयल बेस्ड इंक यूज़ करते हैं जो ट्रेडिशनली यूज़ हो रही है। मैं हर बार वही बोलता हूँ कि इंक को कैसे पता पड़ेगा यार उसको कब सूखना है, कि ड्रम में सूखना है, कि डक्ट में सूखना है, कि पेपर पे आने के बाद में सूखना है? रामू कैसे पता पड़ेगा? समबडी हैज़ टू टेल, उसके कान में जाके, इंक के कान में जाके बताना पड़ेगा कि आप सूखी है अब। सो इन केस ऑफ ऑफसेट और लेटर प्रेस, जब इंक नीचे जाती है कैपिलरी एक्शन से, जब उसका ऑयल पेनिट्रेट होता है उसके बाद में सूखना शुरू होती है, इस टाइप के सब्सट्रेट में नहीं पॉसिबल है, तो इसलिए हम सॉल्वेंट बेस्ड यूज़ करते, ताकि 70% ऑफ द वॉट सॉल्वेंट इज इवोपरेटेड और जो बच जाए वो यहाँ पे दिखता रहे। और फ्लेक्सो इज द सेम। इनमें क्या क्या चीज़ पॉसिबल है? इसमें पेपर ही पॉसिबल है, से लेटर प्रेस और ऑफसेट में, ऑयल बेस्ड इंक में पेपर बोर्ड और एनी एब्जॉर्बेंट सब्सट्रेट, बट इट हैज़ एक्सेलेंट प्रिंट क्वालिटी, शार्पनेस, ड्राइंग स्लो है लेकिन, और लिमिट में इंक ट्रांसफ़र होती है। ग्रेवियर में सब कुछ पॉसिबल है, पेपर से लेके फिल्म तक लेके मेटलिक इफेक्ट भी है, लेकिन एनवायरमेंटल इशू है, उसका इंक ट्रे में पुअर स्टेबिलिटी है, घड़ी घड़ी आपको सॉल्वेंट ऐड करना पड़ता है क्योंकि इवापोरेशन रुकता नहीं है, वो सबस्ट्रेट तक एवापोरेशन नहीं होता है, इट स्टार्ट्स एवरीवेयर बिकॉज इट इज़ अ इवापोरेशन प्रोसेस। एंड सेम गोज़ फॉर द फ्लेक्सो। थोड़ा सा मैं इजीली डेमोंस्ट्रेट करता हूँ इसको, बहुत ही आसान शब्दों में, कि अगर ये आपका इंक है, ये पेपर है, और ये अल्काइड से यहाँ पे ऑयल पेनिट्रेट हुआ और उसके बाद में इंक का सूखना शुरू हुआ। सिंपल वे में हम इसको आयर करते हैं तो इंक की विस्कोसिटी थोड़ी जल्दी ड्रॉप आउट हो जाती है, जल्दी होता है, तो जो एक्शन मैंने सिर्फ ये 1 मिनट लिखा है, 1 मिनट उस लगता नहीं है, ऐसा होता तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री बंद हो चुकी होती, आजकल सेकंडों में काम चाहिए, क्यों प्रशांत? जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है कि हाउ फास्ट इट हैपन्स। सो देन यू हैव ऑयल पेनिट्रेटिंग फास्टर, ये हो गई लेटर प्रेस या ऑफसेट की प्रोसेस इन अ वेरी सिंपलिस्टिक वे। इसको थोड़ा इजीली मैं समझाता हूँ कि सॉल्वेंट जब रेजिन से बाहर निकल जाते हैं तब एक रेजिन का बॉन्ड बन जाता है। दिस इज टेक्निक यूज फॉर फ्लेक्सो ग्रेवियर और इवन इंकजेट में, जो इंकजेट वाला पोर्शन है डिजिटल में, इंकजेट वाला पोर्शन। सो व्हाट डू वी हैव? वी हैव अ ग्रेवियर प्रोसेस और अ फ्लेक्सो प्रोसेस। मैं थोड़े दो बड़े प्रोसेस की बात कर रहा हूँ मैं स्क्रीन, और उसमें फिर हम बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो जो मास में चलने वाले प्रोसेस है, प्रशांत इज ओके इफ आई जस्ट गो? इनमें सब्सट्रेट जो इम्पोर्टेंट, अच्छा हम समझ क्यों रहे हैं यार ये सब क्यों बात कर रहे हैं? ये इसलिए बात कर रहे हो क्योंकि हमारा कस्टमर ये चाहता है कि सिर्फ पेपर पे ना छापे, हम इस पे भी छापे, उस पे भी छापे, घड़ी के डायल पे भी छापे, मोबाइल के इस पे भी छापे ना। प्रिंटिंग रिक्वायरमेंट हैज़ गॉन अप मल्टीफोल्ड, और इसीलिए जब कस्टमर की डिमांड है तो हमें समझना ये ज़रूरी है कि हम हमारे प्रोसेस से क्या क्या कर सकते हैं। हमारे पास अगर ऑफसेट है या लेटर प्रेस है तो हम क्या कर सकते हैं, फ्लेक्सो है तो हम क्या कर सकते हैं। सो वी कैन डू दिस, कि ये सबस्ट्रेट हम प्रिंट कर सकते हैं, पेपर बोर्ड, फिल्म, फॉइल, और इवन फ्लेक्सो में पॉलीथिलीन तक जा सकते हैं, जो स्ट्रेचेबल सबस्ट्रेट है, जो बहुत डिफिकल्ट है, बट ये इश्यूज कंटिन्यूज है। सो फिर क्यों ऑफसेट? सारा काम
फ्लेक्सो और ग्रेवियर कर सकता है, फिर भी इंडिया में इतनी पॉपुलर ऑफसेट क्यों है और इवन वर्ल्ड ओवर? क्योंकि इफ ऑलमोस्ट ऑल द सबसेट कैन बी प्रिंटेड बाय ग्रेवियर देन व्हाई ऑफसेट? सवाल यहाँ से है। एक पॉइंट जो हम ध्यान शायद नहीं दिया इज एक्सेलेंट प्रिंट क्वालिटी एंड शार्पनेस, और उसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स है जो आगे हम दे समझेंगे ऑफसेट के पॉपुलरिटी को लेके। As he said, लेकिन सब कुछ अच्छा है यार, लेकिन सिर्फ पेपर के लिए मुझे इस पे छापना हो तो मैं क्या करूँगा? हाँ, क्या बात कर रहे हो यार, नो फिल्म्स, नो फॉइल, नो पीपी, नो मैटपैड, कोई वैरायटी नहीं। ऑफसेट प्रिंटर बोलोगे मैं कब तक पेपर छापूंगा, कब तक पेपर बोर्ड, वही कोई मैप लिथ हो, कभी आर्ट पेपर, कभी मैट आर्ट, घूम फिर के वहीं पे। अल्टीमेटली रीजन एक ही है कि इंक सूखती नहीं है। सर कुछ गलत है इसमें से? इंक जितनी इस सबस्ट्रेट के लिए या किसी और ऑड सबस्ट्रेट के लिए सूखना चाहिए, प्रॉब्लम सारा इंक का ही है। हमेशा इंक वाला ही प्रॉब्लम होता है और इंक की प्रॉब्लम होती है, और ये भी इंक की प्रॉब्लम निकली कि इंक सूखती नहीं है। पहले 24 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे लगते, लेकिन फिर भी इंक सूखती नहीं है। दिस इज द रियलिटी ऑफ ऑफसेट प्रिंटिंग, और इसीलिए मैं फिर से बोलता हूँ कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आपकी ज़रूरत जब तक नहीं होती तब तक वो बाहर नहीं निकल के आता, तब तक वो पॉसिबल नहीं होता है, और इसीलिए ये ज़रूरत पड़ी कि कुछ ऐसा करो कि जो इंक तुरंत सूखे और ये सबस्ट्रेट पे भी सूखे और उस पे भी सूखे और इस पे भी सूखे, लेकिन ऑफसेट प्रोसेस की जो शार्पनेस है या प्रिंटेबिलिटी है, दैट इज़ फैंटास्टिक। सो बेटर डू समथिंग लाइक दैट। सो वी बेसिकली नीड एन इंक विच ड्राइज विदाउट अ सबस्ट्रेट और अ प्रोसेस डिपेंडेंसी। ऑफसेट या लेटर प्रेस की ऑयल बेस्ड इंक चाहिए तो सिर्फ पेपर या पेपर बोर्ड ही चाहिए। अगर मेरे को फिल्म या फॉइल छापना है तो ग्रेवियर या फ्लेक्सो ही चाहिए। तो या तो पेपर सबस्ट्रेट की डिपेंडेंसी हो गई या फिर आपकी प्रोसेस की डिपेंडेंसी हो गई। कुछ ऐसा है जो इंडिपेंडेंटली भी हो सकता है, देखते हैं होता है कि नहीं। एंड देयरफॉर यू वी देयरफॉर कि कुछ ऐसा जिसमें प्रोसेस या यूं कह लीजिए सबस्ट्रेट की डिपेंडेंसी ना हो। इकबाल जी आपका ध्यान चाहूंगा, एक स्लाइड पीछे जाइए आप, और एक और। हम लोग बात कर रहे थे कि ऑफसेट बहुत एक्सेलेंट प्रोसेस है लेकिन सूखती नहीं है, इंक सूखती नहीं है। क्या तो क्या किया जाए कि इंक ऑफसेट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस व्हेन इट कम्स टू प्रिंटेबिलिटी एंड शार्पनेस, लेकिन इंक सूखती नहीं है। क्या हम ये छापने के लिए ग्रेवर में ही जाना पड़ेगा क्या वो छापने के लिए? तो देन वी सेट कि व्हाट हु इज द कल्प्रिट। सो बेसिकली वी नीड इंक विच कैन ड्राई विदाउट अ सबस्ट्रेट इंटरवेंशन, क्योंकि अगर ऑयल बेस्ड इंक है तो पेपर ही चाहिए ताकि वो सूखेगी, और अगर इस टाइप का सबस्ट्रेट है तो ग्रेवर ही चाहिए। तो या तो सबस्ट्रेट की डिपेंडेंसी हम पे है या प्रोसेस की डिपेंडेंसी है, बट वी नीड समथिंग जो इंडिपेंडेंट हो, एंड दिस इज यूवी, एंड देयरफॉर यूवी। अब इसको समझा जाए कि यूवी है क्या। हम फिर क्लासरूम पे जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं आता है। यूवी इज़ अ लाइट विच इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद अ वेवलेंथ शॉर्टर देन विजिबल लाइट एंड अ लॉन्गर देन एक्सरे। जो हम लाइट देखते हैं उससे शॉर्ट है, उससे शॉर्ट है, और एक्सरे जिस जो एक्सरे हम करवाते हैं हमारे इसके उससे लॉन्गर हैं। थोड़ा यार डेमोंस्ट्रेट करो क्या है। This is where it is. So UV will have here somewhere. और UV के साथ में visible spectrum भी होता है, इसीलिए जब हम X-ray करवाते हैं तो हमको उसको बोलना पड़ेगा, हाँ सांस रोकिए छोड़िए,
because we don't see light ki kab aaya aur kab gaya. But when it comes to UV, you can see this has jo mercury vapor hai, usme bhi thoda sa UV content hai. Aapka printing down frame ki jo light hoti hai, metal light, usme bhi UV hai. So UV light is a part, it has a part of visible spectrum. UV without visible light nahi aata hai. So that is easier for us to detect ki UV hai ya nahi hai. It operates between somewhat 200 to 400 nanometer actually. So basically, ink which dries when light is put on to the ink. Ink ko fir mera wahi sawal hai ki ink ko kaun batayega ki aap sukho? To ink ko light batayega ki jaise light gira to sukhna shuru karegi. And that is what it should be, a UV light. क्योंकि अगर नॉर्मल लाइट होगा और उस इंक सूखना शुरू कर देगा तो डक खोलते से इंक सूख गई या कंटेनर में से इंक सूख गई. एंड बहुत ही क्रूड वे में अगर मैं सिंपलिस्टिक वे में बताऊं तो अगर ये लैंप है तो ये इंक है और ये सूख गई इंक पॉलीमराइज होके. थोड़ा इसको हम डिटेल में अब समझेंगे. अब थोड़ा सा यहाँ तक तो आप और हम सबको पता है और इससे आगे वाला भी शायद काफ़ी लोगों को पता होगा, बट एक बार और रिकैप कर लेते हैं हम. So basically there are ye raw materials hai, hum baad mein in subjects pe aayenge, oligomers, monomers, photo initiators, pre polymers and all these things. Jab ultraviolet light iske upar padti hai to ye dry ink dry ho jati hai instantly. Isme ek cheez main kehna chahunga ki hum log 10 saal pehle jab initially Arets ne yahan shuru kiya tha to hum demo dene jate the customers ke yahan pe, to ek ऑफसेट प्रिंटर की आदत होती है कि सपोज कोई बहुत हेवी आर्ट पेपर का जॉब प्रिंट कर रहा है और उसको लगा कि अभी छपा है लेकिन सूखा नहीं है, बोला ठीक है, ऑपरेटर जो मेन सुपरवाइजर होगा या ऑपरेटर वो बोलेगा इसको रख दे जरा 2 घंटा 4 घंटा या कल सुबह देखना, उसके बाद में डाई पट्टी काटने के लिए ले जाना. बट यूवी में वो नहीं होता है. इट्स लाइक जो गब्बर सिंह ने बोला है कि बसंती तेरे पैर जब तक चलेंगे तब तक ही वीरू की सांस चलेगी, वैसे ही जब तक लाइट ऑन तब तक ड्राइंग ऑन, द मोमेंट लाइट गोज ऑफ द क्यूरिंग ड्राइंग गोज ऑफ. तो आपका अगर सबस्ट्रेट कभी भी थोड़ा सा भी वेट लग रहा है या आफ्टर टैग उसको लग रहा है तो एक बार और यूवी लाइट से पास कीजिए, बट उसको थप्पी बना के रख देंगे तो पूरा सेट ऑफ आ जाएगा. हम इसका एक शायद प्रेजेंटेशन देखते हैं. तो हाउ डज द इंक ड्राइज, यूवी क्यूरिंग इंक्स एंड वार्निशेस कंटेंट फोटो इनिशिएटर which start reaction. ये catalytic action का काम करता है and it is a part of reaction also, photo initiator. And with this intense radiation, UV changes the form from a paste or a liquid to a solid like a film thickness. So in fact, जब हम resin की बात करते हैं जो oil based ink की होती है तो वो ink होती है और उसको छुड़वाना बहुत मुश्किल है. यानी आप यू कैनॉट ईजीली, अगर पेपर पे लगी है तो इंक को आप कभी सेपरेट नहीं कर पाओगे. बट यूवी इज़ नॉट अ इंक एक्चुअली, इट इज़ अ फिल्म ऑन टॉप ऑफ अ फिल्म और अ पेपर. तो शायद उसको आप पुल आउट कर सकते हो अनलेस कि वो अंदर घुस गई हो. इट नो सॉल्वेंट्स आर रिक्वायर्ड, यूवी क्योर्स रादर देन ड्राई. इसीलिए इसको ड्राइंग टेक्निक नहीं बोलते, इसको क्यूरिंग टेक्निक बोलते हैं. हम लोग जनरल लैंग्वेज में बोल सकते हैं ड्राइंग है, लेकिन इट इज एक्चुअली अ क्यूरिंग. वन मोर टाइम. सो ये इसको थोड़ा सा मैं जो पिछले साइड है ना स्लाइड, इस स्लाइड को फिर से मैं थोड़ा सा क्लोज, हम जैसे माइक्रोस्कोपिक व्यू पे हम जा रहे हैं तो अगर देखें तो ये कार्बन चेन है, दे आर ओपन बॉन्ड कार्बन चेन. एंड व्हेन यूवी लाइट अलॉन्ग विद द फोटो इनिशिएटर जब ये एक्रिलिक पे पड़ता है तब दिस इज अ फोटो इनिशिएटर विच ब्रेक्स आफ्टर गेटिंग अ यूवी लाइट एंड देन दे रिएक्ट एंड मेक अ चेन. तो ये पॉलीमेरिक चेन हो गई. आपका प्लास्टिक की बॉटल, ये भी पॉलीमेरिक चेन है. आपके यहाँ पे रखा हुआ ये भी है. मोबाइल अगर प्लास्टिक का है तो वो भी पॉलीमर है. हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉलीमर है आजकल. और ये एक और आ गया. सो दिस इज़ हाउ इट इज़, जो मैंने यहाँ से शुरू किया था वापस मैं यहाँ पे आ रहा हूँ. और शायद आपको एक वीडियो मैं दिखाऊंगा विच इज़ अ कर्टसी IST जो लैम्प, वन ऑफ द बेस्ट लैम्प मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड है, रिनाउंड, उनसे उन्होंने मुझे दिया था. तो मैं उनके विदाउट परमिशन ये यूज़ कर रहा हूँ, बट आई एम श्योर बिकॉज दिस इज एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए है तो वो बहुत यूजफुल रहेगा.
लेकिन उससे पहले मैं एक बता दूं कि ये दो टाइप की केमिस्ट्री हुआ करती थी, लेकिन अब रेडिकल ही है, कैटायनिक खत्म हो चुकी है। रेडिकल वो केमिस्ट्री है कि आपका इंस्टेंट क्यूरिंग हुआ और लाइट ऑफ तो बंद हो गया। कैटायनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन चालू रहती है, जैसे जैसे आप ड्राई यानी एक बार लैंप लग गया और उसके बाद में भी अगर बाहर चली गई, तो इसीलिए कैटायनिक केमिस्ट्री को फूड पैकेजिंग के लिए इनिशियली यूज़ किया था। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि अनक्योर्ड अगर वार्निश है, अनक्योर्ड इंक या वार्निश है, तो ये थोड़ा सा कर्सोजेनिक था। तो देर वॉज अ बैन बाय द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेशन। तो आजकल ये केमिस्ट्री आपको कहीं नहीं मिलेगी, मेरे ख्याल से खत्म हो चुकी है। नाउ व्हाट वी एक्चुअली सी इज अ रेडिकल केमिस्ट्री, और इट विल नॉट बी 100% क्योर्ड इन टाइम, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉन्ड खुले ही रहेंगे, पूरा क्लोज लिंक जीरो नहीं होता है। एक वीडियो हम देखेंगे। नहीं, मैं रेडिकल, ओनली रेडिकल नाउअडेज। कैटायनिक का इनपुट हुआ करता था, बट जहाँ तक मेरी जानकारी अब कहती है दैट कैटायनिक इज हैज अ कर्सोजेनिक इफेक्ट, सो इट यूज्ड टू बी 20-30 इयर्स बैक, लेकिन कैटायनिक केमिस्ट्री मेरे ख्याल से अब कहीं देखने नहीं मिलती है। नहीं सूखता है, एब्सोल्युटली हार्डनिंग हो सकती है। देखिए सॉफ्ट होता है, कोई भी चीज़ सूखने के बाद में भी सॉफ्ट रह सकती है, उसकी हार्डनिंग चलेगी, बट इट विल नॉट ड्राई। अगर आपने थोड़ा भी गीला आफ्टर टैक है, आप टच करोगे तो थोड़ा सा ऐसा दिक्कत हो रही है, तो इट विल नेवर ड्राई। नहीं, उसमें आपका सवाल मैं समझ गया। यस, आप इंस्टेंट कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने बोला हार्डनिंग, हार्डनिंग से मतलब है कि आपकी जो ड्राइंग हो गई है, लेकिन उसकी बॉन्डिंग जो है विद द सबस्ट्रेट, उसकी स्टेबिलिटी, जैसे मैंने अभी एक कोई बिल्डिंग बनाई और वो सूख गया, सीमेंट लगाया, पुट्टी लगाई, सूख गई, लेकिन उस सूखने में भी वो एक गीलापन नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ आना बाकी है। एंड देयरफॉर वी से कि 24 आवर्स के बाद चेक कीजिए, बिकॉज द बॉन्ड की स्ट्रेंथ अभी तक बनी नहीं है, अभी स्ट्रेंथ बनना बाकी है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि हाँ उसकी क्यूरिंग होगी और कुछ होना बाकी है, तो वो पॉसिबल नहीं है, स्ट्रेंथ आना बाकी है। तो वंस द स्ट्रेंथ कम्स, देन देयरफॉर द जो चेकिंग होती है वो 24 आवर्स के बाद में आपके रिजल्ट्स क्यों इंप्रूव होते हैं, बिकॉज द हार्डनिंग, वॉट एवर यू कैन से इन अ वेरी लेमैन और सिंपलिस्टिक टर्म, इट इज़ बिकॉज द स्ट्रेंथ हैज़ टू कम देयरफॉर। बट एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि वो भी पॉसिबल है कि आप इंस्टेंटली उसको चेक करें, बट उस एंगल पे अगर इंक मैन्युफैक्चरर्स जाएंगे तो यूवी बहुत जल्दी क्योर होगी और बहुत ब्रिटल होने की संभावना है। और ऑफसेट में नॉर्मली हम अगर पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग क्या है, इवन कमर्शियल में हमें फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत ज़रूरत है, और इसीलिए अगर आप 15 साल पहले जाएंगे तो यूवी वार्निश जितने भी आते थे वो क्रीजिंग पे क्रैक होते थे, बिकॉज एट दैट टाइम फ्लेक्सिबिलिटी एंगल उसमें उतना नहीं था, बिकॉज द ऑब्जेक्टिव वॉज कि जितना जल्दी उसको सूख जाए। बट नाउ यू हैव स्लोड डाउन द प्रोसेस, कि एक होता है क्यूरिंग हो गई और एक होता है उसकी हार्डनिंग, यानी बेसिकली यू एंड देयरफॉर दिस है कि इसको 24 घंटे के बाद आप चेक करो। बट अभी जितने भी प्रोसेस पैकेजिंग में हो रहे हैं, जिस तरह का प्रेशर है, जिस तरह के रिजेक्शन की वो डाउट होती है, मेरे ख्याल से 2 घंटे में चेक करना शुरू कर देते। इट विल गिव यू प्रॉबेबली 100 रप टू बिगिन विथ, बट दे नो कि इट विल गो टू 400 रप आफ्टर 24 आवर्स। एक एवरी प्रेस हैज डिफाइन देयर पाथ कि वो कितने बार कब चेक करना है। बट वॉट यू हैव राइटली सेड कि अगर चेक करना है तो आप बिल्कुल इंस्टेंटली चेक कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि इंक सूखने में टाइम लगेगा तब चेक करेंगे। यू आर टेक्निकली एब्सोल्युटली करेक्ट, बट बिकॉज वी नीड टू इंक्लूड द अदर एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, ले हो गया, और दूसरा इंडिया में शायद हमारी रब रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट में आ रहा हूँ, रब रेजिस्टेंस की या इस टाइप के पोस्ट प्रिंटिंग ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे रोड बहुत सुंदर है, गड्ढों में बसे हुए हैं तो घिसते ज़्यादा है, यूरोप में जाओगे तो शायद रास्ते स्मूथ है, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा ये नहीं है। तो जो इंक या जो प्रोडक्ट इंडिया बनाती है वो शायद यूरोप या अमेरिका या किसी और डेवलप्ड कंट्री से ज़्यादा सुपीरियर प्रोडक्ट बनते हैं इंडिया में, मैं प्राउडली बोल सकता हूँ। सर, आपका सवाल, आप बोल रहे थे ड्राई नहीं हुआ तो सेकंड पास कर दो, ड्राई हो जाएगा। मैं नहीं बोला,
मैंने बोला आप चेक कर लो, अगर उसके बाद में भी ड्राई नहीं हो रहा तो फिर बुलाओ, पास करो, अब पास करो। वो सेकंड पास में बाकी कुछ प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा, इनके प्रॉपर्टी कलर आई एम हैप्पी, गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। इंक का प्रॉपर्टी, या जैसे आप कलर की स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, वो लाइट फास्टनेस की बात कर रहे हैं, IWS की बात कर रहे हैं, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द UV और UV इंक, इट इज़ रिलेटेड टू द पिगमेंट। अगर पिगमेंट मैन्युफैक्चर ने, मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी नेता का पोस्टर देखते हैं या कोई चुनाव का पोस्टर देखते हैं, थोड़े दिन बाद जाते हैं तो जैसे चुनाव के बाद नेता लोग गायब हो जाते हैं, वो पोस्टर पे से उनका उनका चेहरा भी गायब हो जाता है, होता है कि नहीं? तो वो क्यों होता है? क्योंकि येलो और मेजेंटा धूप में जो यूवी लगती है सन से, उससे दे बेसिकली डिसअपियर। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं लाइट फास्टनेस या IWS। IWS का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल वूल स्केल। ये पहले हमारे प्रिंटिंग के लिए कुछ नहीं डिज़ाइन हुआ है भैया, ये सिर्फ दूसरे इंडस्ट्री से हम उधार ले लेते हैं। ये हुआ था टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कि मैंने शर्ट ब्लू पहनी है, ये तो डार्क ब्लू पहनी थी, यहाँ पहुँचते पहुँचते लाइट ब्लू हो गई। सो हाउ डू आई डिफाइन? तो देर यूज टू बी अ स्केल, जो वुल्स करके एक आदमी था उसने डिज़ाइन की थी, उसको कहते हैं इंटरनेशनल वुल स्केल, क्योंकि ये इंटरनेशनली अडॉप्टेड है इसलिए इंटरनेशनल वुल स्केल, विच इज़ यूज फॉर अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कितने घंटे धूप में एक चीज़ रखने के बाद में वो फेड होती है, उसको 1 to 8 स्केल पे रखा हुआ है। और प्रिंटिंग इंडस्ट्री ने उस चीज़ को डिफाइन किया है कि अगर 5 या उसके ऊपर अगर वो स्टेबल रह जाती है IWS, तो इसका मतलब इट इज़ सेफ फॉर पैकेजिंग। अगर इसके बाद में भी अगर आपका प्रोडक्ट नहीं बिकता है तो FMCG को ताला लगाना पड़ जाएगा। आपने एक और चीज़ देखी होगी कि IWS का प्रॉब्लम इंडिया से ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें कुछ टेढ़ी होती है, वहाँ पे शायद धूप कम हो, लेकिन आप अगर फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस, जैसे रामू यू यूजेस बोथ फोटोक्रोमेटिक या नॉर्मल? नहीं, तो पहले बहुत फैशन थे ना कि उस टाइप के ग्लासेस, तो अगर आप यूरोप में जाओ उस टाइप के ग्लासेस पहन के, तो बहुत जल्दी आपके वो डार्क बन जाते थे ग्लासेस। इट वॉज बिकॉज द UV रेज इन यूरोप इज़ हायर देन द सबकॉन्टिनेंट। और आप अगर दूसरी बार पास कर रहे हो तो बहुत चांसेस है कि आपका पिगमेंट की वजह से आपका कलर ही उड़ जाए, या जो मैजेंटा छाप रहे हो वो पिंक में कन्वर्ट हो जाए। यानी आप छाप रहे हो कोलगेट और बाहर निकला तो फेयर एंड लवली। बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद यूवी, इट इज़ टू डू यूवी मीन्स यूवी इंक, इट हैज़ टू डू विद द लाइट एंड द पिगमेंट। और आज जो बाकी के मशीन्स आ रही है उसमें मल्टीपल लैम्प्स है, तो उतनी स्टबन इंक तो इंक वालों को बनाना ज़रूरी है। तो ये क्राइटेरिया बिल्कुल करेक्ट है, बट मैं यही कह रहा हूँ कि आप उसकी थप्पी मत लगाइए, अगर तो वहीं जॉब रोकिए, उसको देखिए कि कहाँ गलती है। हम कुछ और एस्पेक्ट्स पे आएंगे इसके बाद में, एक वीडियो देख, सॉरी, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। किसी भी केस में अगर नहीं सूख रहा है तो उस जॉब हम रोकना ज़रूरी है। तो इंक सबके लिए अलग होगी, बट हर चीज़ के लिए अपने कस्टमाइज इंक है। हर मोबाइल के लिए अलग अलग टाइप की चिप लगती है, या उसके लिए सॉफ्टवेयर अलग रखता है जो सिस्टम है, बट दैट डज नॉट सेपरेट दैट ये कि ये मोबाइल है और वो मोबाइल नहीं है। वैसे ही इंक विल बी सेपरेट, प्रॉपर्टीज़, पर्पस, हम लोग थोड़ा डिटेल में हम जाएंगे। एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं जिससे हमारे जो अभी तक हमने बात की है फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन इंक विच इज सॉल्वेंट बेस्ड और ऑयल बेस्ड टू अ यूवी इंक। In order to better understand the curing process, you have to be aware of the difference between the drying of conventional inks and varnishes and UV cured substances. Conventional inks are either oil-based or contain water or solvents. Oil-based inks dry through the oxidation of the oil-containing binding agents. Solvent and water-based inks dry through the evaporation of the volatile solvents, alcohol, water, etc. The drying process is accelerated by the application of heat in the form of infrared radiation, but solvent residues still require several hours to evaporate completely. The ink film shrinks and the surface loses gloss due to irregularities in the surface.
UV-cured inks and varnishes, on the other hand, are solidified by means of a photochemical process, which is also known as cross-linking. This polymerization is triggered by the action of UV energy on ink or varnish. During this process, the photoinitiators contained in the ink or varnish are converted to free radicals. Throughout the UV curing process, these radicals are incessantly attempting to combine with other elements. During this cross-linking process, pigments and other additives are bound in the polymer chain. In the end, during the course of UV curing, all elements in the ink or varnish are merged to form a strong polymer compound. Only when cross-linking is complete, the UV ink or varnish is fully cured. Is it clear? I believe काफी clarity आ गई जो मैं बड़बड़ कर रहा था वो 30 सेकंड की स्लाइड में. मैम, is it clear to you? This video was clear to understand the difference. I'm sure you would be knowing it better than me. So basically, when we were talking, it was all about the lamp and ink का difference. जैसे मैंने बताया कि it is basically the difference of ink which makes UV ink and non-UV ink. We talked about UV. इसमें एक सबसे important criteria आप देखिए, ये छोटे में लिखा हुआ है. What you actually get is 28% of the UV radiations has UV radiation, 21% visible light, then IR and then others. So, जो 100% हम lamp डालते हैं, उसके बावजूद there is other than UV which is present. Visible spectrum covers a large part, then there is IR जो heat radiate करता है. We talked about the lamp, जिस spectrum में operate करता है, from 200 to 400, 450 nanometers, और इसको कहते हैं peak. ये peak responsible होता है for activation of photoinitiator, and वो depend करता है कि कौन से peak पे कौन सा photoinitiator. तो पुराने जमाने में, 30 साल पहले जब UV था, 35-40 साल पहले, तो लैंप मैन्युफैक्चरर्स लैंप बनाते थे, जैसे ट्यूबलाइट बनती है या आपका मेटल हैलाइड लैंप या हैलोजन लैंप बनता है, वैसे यूवी लैंप बनाते थे. उसका स्पेक्ट्रम डिफाइन करते थे और उसकी पीक के बेसिस पे इंक बनती थी कि कौन सा फोटोइनिशिएटर लगेगा. बट नाउ वी डोंट नो कि कौन किस पीक पे काम कर रहा है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं एक एक प्रिंटर को पूछूं, सर आपका क्या लैंप है इसे बताओ. तो मोस्ट ऑफ द इंक मैन्युफैक्चर, गुड मैन्युफैक्चरर्स, पुट सेवरल फोटो इनिशिएटर्स जो अलग अलग इस पे पीक पे ब्रेक हो जाए. एंड ये एक इसीलिए दिस इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल्स विच इज़ यूज बाय मोस्ट ऑफ द इंक मैन्युफैक्चरर्स नाउ. सो व्हाट इज यूवी इंक, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. यूवी केमिस्ट्री इज फंडामेंटली अ पॉलीमराइजेशन केमिस्ट्री विच इज़ एक्टिवेट इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट. फोटो इनिशिएटर एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट. बहुत क्लियर है कि ये इट्स बेसिकली अ फंडामेंटल यूनिट है पॉलीमर. जैसे हमारे इसमें रेजिन होता है, ऑयल्स होते हैं, ये है, बट दिस इज बेसिकली ब्रॉडली कॉल्ड एज अ पॉलीमर और उसके सब ब्रांचेस होते हैं. मोनोमर विल हैव एन ओपन बॉन्ड एंड नॉर्मली लो इन विस्कोसिटी. थोड़ा सा मैं इसमें और थोड़ा आसान करता हूँ कि मोनोमर इज बेसिकली अ वेरी बेसिक, यानी जो जहाँ से बेसिक से शुरुआत करके आपके इंक तक जाता है. प्री पॉलीमर या ओलिगोमर हो गए जो थोड़े से प्री क्योर्ड आई वुड से कह सकता है. जैसे यानी एक है कि मैं घर पे पाव भाजी बना रहा हूँ तो पूरी सब्जी वब्जी काट के बना रहा हूँ, और जो सरदार ताड़देव वाले के पास जाता हूँ तो उसकी ऑलरेडी आधी प्रिपरेशन हो चुकी है. ही वॉज जस्ट डू अ लास्ट मिनट डन. एंड so oligomers and prepolymers are like this, that they are partially cooked or partially polymerized and then you are basically making them. to uski curing fast hoti hai, isliye offset ya letter press ya jitni thick ink rahegi uski drying fast hogi ya easily ho jayega curing. aur flexo ya gravure ki taraf jab uv jati hai, jab uski viscosity low rehti hai, to usko monomer se leke फाइनल प्रोडक्ट तक आना है तो उसको टाइम लगेगा, एनर्जी लगेगी, एफर्ट्स लगते हैं.
और इसीलिए द केमिस्ट्री या दो अलग अलग टाइप की इंक में वो डिफरेंस आता है कि अब फ्लेक्सो की इंक अलग क्यों है या लेटर प्रेस की क्यों अलग है और ऑफसेट की क्यों अलग है, क्योंकि विस्कोसिटी में प्रोसेस की वजह से विस्कोसिटी डिफरेंट है. सो द इंक फॉर्मुलेशन विल डिपेंड ऑन द विस्कोसिटी और स्पीड, आप किस स्पीड पे उसको प्रिंट करना चाह रहे हो. एक इंक जो ऑफसेट की है वो शीट फेड ऑफसेट के लिए अलग है और वेब ऑफसेट के लिए अलग है, और न्यूज़पेपर के लिए जो वेब ऑफसेट लगता है उसकी स्पीड, क्योंकि वो लोग 1,00,000 इंप्रेशन पर आवर की स्पीड पे चलाते हैं, तो उसके लिए इंक की विस्कोसिटी एंड प्रॉपर्टी अलग है. और उस पर्पस के हिसाब से ही इंक कोई भी इंक मैन्युफैक्चरर से उसको बनाएगा. बट कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट नहीं है. ही विल हैव टू ओनली चूज कि मुझे ओलिगोमस कितने लेने हैं, प्री पॉलीमर कितने लेना है, और मोनोमर लेना है नहीं लेना है, कितने लेना है, उस हिसाब से वो फॉर्मुलेशन करेगा. बहुत सिंपल वे में बताया कि जैसे मोनोमर है वो सिंगल ब्लॉक है, यहाँ से गायब हो गया. ओलिगोमस विल हैव फ्यू, देन प्री पॉलीमर्स, एंड देन फाइनली द पॉलीमर जो एक्चुअली जो ड्राइड इंक इज कॉल्ड पॉलीमर, या हमारा कोई भी आप प्लास्टिक या कुछ भी उठा लीजिए, इट्स ऑल पार्ट ऑफ पॉलीमर. सो व्हाट इज यूवी प्रिंटिंग? ये प्रिंटिंग है क्या? यूवी इज अ ड्राइंग एंड क्यूरिंग मैकेनिज्म ऑफ इंक एंड वार्निशेस इंडिपेंडेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रोसेस. तो हम जो ये टर्म कहते हैं यूवी प्रिंटिंग, ये यूवी प्रिंटिंग एक्चुअली है ही नहीं. इट्स नॉट अ प्रिंटिंग, इट्स अ ड्राइंग टेक्निक, इट्स अ क्यूरिंग टेक्निक. जैसे हमारा ऑफसेट प्रोसेस है, लेटर प्रेस प्रोसेस है, स्क्रीन है, फ्लेक्सो है, ग्रेवियर है, डिजिटल है. UV is not a printing process. UV is sab ka sirf curing technology hai. It is not a process by itself. Hum ek layman language mein keh dete hain ki UV printing hai, but it is basically a UV curing, not printing. So what is there? It can be applied to any process to accelerate the production speed and allows use of variety of substrate. Again, स्पीड, क्योंकि इंक सूखती नहीं है तो उसको सुखाना है, और मेरे को पेपर के अलावा भी छापना है तो भी यूवी चाहिए. सो इट इज नॉट अ प्रिंटिंग प्रोसेस, बट इट कैन बी अप्लाइड टू लेटर प्रेस, इट कैन बी अप्लाइड टू पैड प्रिंटिंग, इट कैन बी अप्लाइड टू ग्रेवियर, टू फ्लेक्सो, टू ऑफसेट, टू डिजिटल, टू इवन पेंटिंग. आप पेंट कर, पेंटिंग से पेंट करो आर्टिस्ट, और यूवी से पास आजकल हो रहा है. मैं यूवी के और ऑपरेशंस कर रहा था, बट देन हम शायद डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. इट्स आपके दांतों में जो फिलिंग करते हैं आजकल, उसमें कुछ एडेसिव डालते हैं और फिर यूवी से उसको क्योर करते हैं. प्रेशर सेंसिटिव एडेसिव आते हैं, जिस जगह पर आप एडेसिव को बहुत अंदर तक जाना है लेकिन पाथ नहीं है उस मशीन टूल के, और वहाँ जाके उसको सूखना है, तो पहले उसको पास करेंगे और उसके बाद में उसको यूवी से क्योर करेंगे, ताकि वो वहाँ जाके एडेसिव का काम करें, ना कि पाथ में. नहीं तो पड़ा बड़ा हर जगह चिपकता चिपकता जा रहा है. सो देयर आर वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस इन यूवी और रेडिएशन क्योरिंग. ग्राफिकल इंडस्ट्री जस्ट अ स्मॉल एंड बिगिनिंग पार्ट ऑफ यूवी टू एक्सप्लोर लादर, बट इट्स अ वंडरफुल टेक्नोलॉजी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मेरे 10 साल करियर निकल गया इसमें, 10-11 ऑलमोस्ट 11. तो हमारे लिए क्या एडवांटेजेस है? एडवांटेजेस इज वेरी फास्ट एंड क्विक इन ड्राइंग, क्यूरिंग इंडिपेंडेंट ऑफ पीएच सॉल्यूशन एंड पीएच एंड फाउंटेन सॉल्यूशन. यहाँ बैठे हुए जितने भी प्रिंटर्स हैं सबको पता होगा कि यार मैं अगर फाउंटेन सॉल्यूशन का पीएच एसिडिक की तरफ लेके जाता हूँ तो प्रिंट तो शार्प आती है लेकिन फिर ड्राइंग लेट होती है, सूखना देरी से होता है, इसलिए मेरे को बफर लगता है और 4.5, 5, 5.5. बट चूंकि इसमें पीएच का कोई लेना देना नहीं है, सब्सट्रेट का कोई लेना देना नहीं है, तो आप अगर उसको एसिडिक की तरफ भी लेके गए टू मेक द प्रिंट शार्पर इन ऑफसेट, इट्स पॉसिबल, क्योंकि आप यूवी पे प्रिंट कर रहे हो. इट्स एन 100% ड्राई सॉलिड कंटेंट, कोई इवापोरेशन नहीं है उसमें, कोई सॉल्वेंट नहीं बाहर आने वाला है, कुछ नहीं आने वाला है, या कोई ऑयल पेनिट्रेट नहीं होने वाला है नीचे. यानी अगर आप 100% सब्सट्रेट पे डाल रहे हो तो उतना ही रहेगा, बाद में नहीं बचेगा. जैसे मैं अगर ग्रेवियर में हूँ तो जब मैं 100% इंक डालता हूँ तो सिर्फ 70% तो उड़ जाती है, सिर्फ 30-25% हाथ में आती है. व्हेन इट कम्स टू ऑयल बेस प्रोबेबली 90-95% आती है वापस, या इवन समटाइम 20% सब्सट्रेट के ऊपर में, या आप कोल्डसेट न्यूज़पेपर की इंक बोलोगे तो इवन 20-30% तक मेरे ख्याल से ऑयल होते होंगे जो
सूखने के काम आते हैं। चूंकि अपने आप सूखती नहीं है, लाइट के साथ सूखती है, तो रोलर्स पे, डक पे इट इज़ स्टेबल। अगर आपको ओवरनाइट रखना है तो उसको कुछ केमिकल लगाने का ज़रूरत नहीं है। पानी यू एंड ये मेरे मतलब के लिए कहता हूँ कि इट इज़ हैज़ अ गुड एडिशन ऑन डिफरेंट सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट को सिलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट इन रियलिटी यूवी इंक विद डिफरेंट सबस्ट्रेट आप जब लेते हो तो इन दोनों की केमिस्ट्री प्रॉपर बैठती कि नहीं, इनका बॉन्ड बैठता है कि नहीं, क्योंकि ये फिल्म के ऊपर फिल्म है, कुछ अंदर नहीं जाने वाला है। तो एडिशन के लिए एक स्पेशल एफर्ट करना होता है। एडवांटेज गिनाते वक्त हम बहुत सारे एडवांटेज गिना देते हैं, बट दिस इज समथिंग विच नीड टू बी लुक्ड ऑन व्हेन इट कम्स टू एडिशन। और यही प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चैलेंजिंग पार्ट है। करेक्ट सर, प्लीज गो अहेड। आपने एडवांटेज सर बहुत सारे बता दिए, वेरी फास्ट क्योरिंग ट्राई ऑफ कोर्स एवरीबॉडी विल एक्सेप्ट। क्योरिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पीएच ऑफ द फाउंडर सॉल्यूशन, बट वी ऑल रियलाइज दैट कंडक्टिविटी इज अ वेरी वेरी बिग रोल प्ले इन द प्रिंटिंग इंडस्ट्री, सो इट इज ऑलवेज अ चैलेंज। ऑल दोज हु यूवी प्रिंटिंग आई एम श्योर विल वर्क फॉर मी, जो लोग यूवी प्रिंटिंग करते हैं, विश्वम यू हैव एनी यू हैव दिस इशू विद कंडक्टिविटी? Then you said perfect stability on rollers, but rollers are a nightmare when you're printing UV. And very good adhesion on a lot of different substrates, but sir, we realize that to get the correct substrate, the right time value is always a challenge. So the advantage of UV, but yet, mera ye samajhna hai ki UV is always a challenge as compared to a solvent. Solvent is काफी stable है, कोई problem नहीं, कोई किसी को भी खड़ा करके छाप देता है, but UV printing करने के लिए काफी सारे challenges हैं। So please. बिल्कुल, मैं बिल्कुल आऊँगा, और यही एक मेजर सब्जेक्ट है यूवी और सॉल्वेंट में। अगर मैं बहुत क्रूडेस्ट लैंग्वेज में बोलूँ कि सॉल्वेंट में कोई डिफिकल्टी नहीं है और यूवी में डिफिकल्टी नहीं है, काफ़ी डिफिकल्ट है, ये बिल्कुल 100% करेक्ट है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सॉल्वेंट वो गुंडा बदमाश है जो अपनी जगह बना के खुद बैठ जाता है, और यूवी वो शरीफ है जो पूछता है, यार थोड़ा मेरे को बैठने दो, थोड़ी जगह मेरे लिए बनाओ, मेरे लिए कुछ ऐसा तरीका बनाओ कि कुर्सी वर्सी लगाओ। सॉल्वेंट इट्सेल्फ इज़ वेरी एग्रेसिव, वो सब्स्ट्रेट को, प्लास्टिक को, पॉलीमर को आधे से ज़्यादा थोड़ा खा लेता है, तो अपनी जगह बन जाता है, हट बे, तेरा स्ट्रक्चर मैं ख़राब करता हूँ, मुझे बैठने दे, और जब मैं बैठूँगा उसके बाद मैं उड़ूँगा। That is how the solvent is. तो वो बहुत आसान है क्योंकि वो बैठ गया अपने आप, आपको कुछ करना नहीं पड़ा, बट यूवी के लिए आपको बिठाना है उसको। अगर मैं बहुत ही बिल्कुल क्रूडेस्ट लैंग्वेज में बात करूँ, और इसीलिए मैं कहा कि मैं एडवांटेजेस गिना रहा हूँ, बट ये चैलेंज है, लेकिन द मोमेंट यू नो कि उस चैलेंज को कैसे ओवरकम करना, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ भी सबस्ट्रेट यूवी में छाप सकते हो, कैसे भी छाप सकते हो। आई स्टिल मेंटेन एनीथिंग विच योर मशीन टेक्स and your folder or gripper takes it out can be printed with UV. Can be printed with UV. I'm again saying can be printed with UV. Now what we say is basically a post-curing operation for a post-printing operations. जो उसकी दूसरी requirement है, जैसे अगर packaging है तो rub की requirement है, अगर कुछ और है या handling, man handling के लिए कोई ब्रोशर है, book है, तो नेल रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है। तो दे आर बेसिकली, हमारी प्रिंटेबिलिटी में कोई शक नहीं है कि प्रिंट होगा कि नहीं, बट प्रिंट टिका रहेगा कि नहीं उसके लिए जद्दोजहद है। करेक्ट, और वो उसके ऊपर हम अभी आते हैं, बहुत चीज़ें हैं, मैं उसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि हम लोग एक ऑफसेट प्रोसेस जो बेसिकली ट्रेडिशनली पेपर और पेपर बोर्ड के लिए बनी है, उसको हम हमारे एडवांटेज के लिए हम इस पे छापना चाह रहे हैं, ये छापना चाह रहे हैं, काफी चीजें हैं, मैं अभी आऊंगा, ये छापना चाह रहे हैं। वेलकम, इट्स देयर। हाँ जी, सही कह रहे,
यूवी के बगैर इस इंक को सूखना नहीं चाहिए और सूखती भी नहीं है, लेकिन एक किसी भी केमिस्ट्री का या किसी भी पॉलीमर का एक ये रहता है कि अगर हाई टेम्परेचर पे आप जाते हो तो रिएक्शन अगर शुरू हो गई तो वो वहीं पे सूखना शुरू कर देगी या पॉलीमरिक चेन बनना शुरू होगी, लेकिन वहाँ पे पूरी तरह से ड्राई नहीं होगी बट आपके यूज़ के काबिल नहीं रह जाएगी, इसीलिए उसको आप एक टेम्परेचर पे मेंटेन रखते हो बिकॉज़ यू डोंट वांट कि जब तक आपके डक्ट में नहीं पहुँच रही है वो इंक तब तक उसकी रिएक्टिविटी शुरू ना हो। अगर रिएक्टिविटी अगर उसकी शुरू हो गई तो फिर आपको शायद और थिक इंक मिलेगी या आपकी लैम्प के थ्रू जाएगी, लेकिन वो ऑलरेडी बॉन्ड ब्रेक हो चुके फोटो इनिशिएटर के, देयरफॉर आप उसको बोलते हो कि एक स्टेबल टेम्परेचर पे रखो। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर नॉर्मली आप बॉम्बे के टेम्परेचर पे रखोगे तो उसको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा एज फार एज हमारी खुद की एरेट्स की अंडरस्टैंडिंग है, बट जैसे सेफ क्या बोलते हैं डिस्क्लेमर लगाया जाता है ना कि इसलिए कहा जाता है कि उसको कूल टेम्परेचर पे रखिए, बट हाँ अगर आप उसको दिल्ली की समर की हीट में 60 डिग्री के ऊपर अगर रखेंगे 60 डिग्री तक यूवी में पोलराइजेशन नहीं होता है, बट परसिस्टेंट आदमी को ना 30 डिग्री में भी अगर दिन 40 डिग्री में दिन भर भी खड़ा हो जाए तो परसिस्टेंट हीट इज़ अ प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल रख सकते हो, आपको एसी की ज़रूरत नहीं है, मैं बोलता हूँ एटलीस्ट मैं मेरे जो एरेट्स इंक बनाती है उसके लिए तो आई कैन वॉच फॉर अ गारंटी। 30 डिग्री पे आप 35 डिग्री तक भी आप रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर उसका प्रॉब्लम आपका किसके लिए, लैमी ट्यूब के लिए? सर थोड़ा जोर से। ऑन थर्मल पेपर एंड रेगुलर पेपर वी आर यूजिंग यूवी इंक, वो हम साइड बाहर रखते हैं। करेक्ट। और जनरली लेबल्स है, ट्यूब लेमिनेट है, उसकी इंक लेते हैं तो इंक मैन्युफैक्चरर बोलता है कि भाई इसको आप कूल प्लेस में रखो। करेक्ट। आप लेबल का जो प्रिंटिंग प्रोसेस है वो क्या है आपका? या लेटर प्रेस है? लेटर प्रेस में मेरे ख्याल से विस्कोसिटी ऑफसेट से भी थोड़ी ज़्यादा चाहिए, या फॉल्स सिक्सोट्रॉपी जिसको मैं बोलूँ, और यही वजह है कि वो नहीं चाहता है कि आप 30-40 पे रखो तो उसकी विस्कोसिटी थोड़ी सी ड्रॉप हो जाए। ऑफसेटिंग में वो प्रॉब्लम नहीं है, जितना आप उसको थोड़ा सा कूल टेम्परेचर पे रखोगे उसकी बॉडी टाइट बनी रहेगी, और मेरे ख्याल से जो इंक आप जिस भी मैन्युफैक्चरर की यूज़ कर रहे हैं शायद वो यूरोपियन फॉर्मुलेशन है तो वो उस तरफ से बनाया हुआ है, तो वो चाह रहे हैं कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंक जो टेस्ट होती है वो 21 डिग्रीज पे उसकी टेस्टिंग करते हैं, या जितने भी आप सर्टिफिकेट्स मांगते हैं एवरेज उसी पे होती है, तो इसीलिए वो भी चाहते हैं कि आपको बोल दे यार सर एसी में रखो, और सर एसी में कौन नहीं रहना चाहता है, तो मेरी इंक को भी थोड़ी सी इज्जत दे दी तो ठीक है ना। दूसरा यू कैन डू अ यूवी वार्निश और केमिकल और हीट रेजिस्टेंसी भी पॉसिबल है।